नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व सोमवार को आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती सहित आसपास की नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण का व्रत रख कथा सुनी और गोदान किया। राजघाट पर मेले जैसा नजारा दिखा। भोर से ही श्रद्धालु राप्ती तट पर पहुंचने लगे थे। दोपहर तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते रहे। जो श्रद्धालु नदियों में स्नान करने नहीं पहुंच सके, उन्होंने घरों में स्नान कर पूजा अर्चना करके दान पुण्य किया। आपको बता दें, राजघाट पर नगर निगम की ओर से तैयारियां की गई थी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। अंधेरे में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की गई थी। दुकानदारों ने रात में ही घाट पर दुकानें सजा ली थी। सुबह तक नदी के दोनों घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ गए। घाट के फुटपाथ पर सजी दुकानों से महिलाओं ने घरेलू सामान और बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। वहीं चाट पकौड़ों की दुकान भी सजी थी। पूजन अर्चन के बाद श्रद्धालुओं ने चाट पकौड़ों का जायका लिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टिगत चप्पे चप्पे पर महिला और पुरुष पुलिस फोर्स तैनात रही।